आज केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की 254 संपर्क सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 2643 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। यह धनराशि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के अंतर्गत स्वीकृत हुई है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। इन सड़कों में जिला बिलासपुर की 19 सड़कें भी शामिल है, जिसके लिए 171 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। यही नहीं, श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र की 5 प्रमुख सड़कें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1 के अंतर्गत बनी थी, उनको अपग्रेड करने के लिए इस पैकेज में 57,54,00,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं। इन सड़कों में श्री नैना देवी जी से खरकरी संपर्क सड़क के लिए 3,46,00,000 रुपए, ध्रोड़ से टोबा संपर्क सड़क के लिए 6,61,00,000 रुपए, टोबा से ग्वालठाई संपर्क सड़क के लिए 28,24,00,000 रुपए, बनेर से जकातखाना संपर्क सड़क के लिए 6,39,00,000 रुपए तथा बहल से सोहन बाया लखाला संपर्क सड़क को अपग्रेड करने के लिए 12,82,00,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं। इस तरह श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र की इन 5 सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 57,54,00,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसके लिए श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र की जनता आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का भी आभार प्रकट करती है, जिन्होंने पिछले दिनों मेरे दिल्ली प्रवास के दौरान मुझे ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज किशोर सिंह जी से मिलवाया था और इन सड़कों की स्वीकृति कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई।